देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुभ्रजीत जी ने। तो सबसे पहले सुभ्रजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे Instagram ID पर। Instagram ID है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इंडार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये घटना बहुत ही पुरानी है, यही कोई 1953 के आसपास के, जो कि उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट की है। कहते हैं कि उस दौरान तीन दोस्तों ने गांव से बाहर नदी के उस पार एक रात बिताने की सोची। मौज मस्ती के तौर पर वो तीनों दोस्त साजू सामान के साथ नाव में बैठे और नदी के उस पार खूबसूरत जंगल में पहुंचे। पहले तो उन्होंने रात बिताने के लिए कैंप लगाया और फिर आग जलाकर खाना बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। वो तीनों पूरी तैयारी के साथ आए थे। हंसी मजाक के साथ टाइम बीत गया और सूरज ढलते ढलते उनका खाना भी बनकर तैयार हो गया था, जिससे बड़ी ही अच्छी सुगंध आ रही थी। और अब बारी थी खाना खाने की। वो तीनों अभी खाना परोसने ही वाले थे कि उन्हें एक औरत नजर आई जो मिट्टी से सनी हुई थी और खाने की ओर देखे ही जा रही थी। उस औरत को खाने की ओर यूं घूरते देख उन दोस्तों ने उस औरत से पूछा, क्या बात है? इस पर उस औरत ने खाने की ओर इशारा करते हुए कहा, भूख। वो तीनों समझ गए कि ये बेचारी भूखी है। तभी उन तीनों ने कहा, ठीक है, आप भी आ जाओ, हम आपके लिए भी परोस देते हैं। फिर वो औरत भी उनके साथ खाने के लिए बैठ गई। अभी उन्होंने उस औरत के साथ साथ अपनी थाली में परोसकर खाने के लिए बैठे ही थे कि उस औरत ने अपना खाना खत्म कर लिया और दोबारा मांगने लगी। वो तीनों इस बात पर थोड़ा हैरान हो गए, मगर उन्हें लगा कि बहुत दिनों की भूखी होगी। ये सोचते हुए उन्होंने फिर से खाना परोस दिया। उस औरत को फिर से खाना परोसने के बाद उन्होंने पहला निवाला लिया ही था कि उस औरत ने फिर से अपना सारा परसा हुआ खाना खत्म करके और मांगने लगी थी। अब उन तीनों दोस्तों को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, आखिर ये औरत इतनी जल्दी खाना कैसे खत्म कर देती है। उन्होंने फिर तीसरी बार उस औरत को खाना परोसा और उसे ही देखने लगे ताकि ये देख सकें कि वो औरत इतनी जल्दी कैसे खा रही है। जैसे ही उस औरत की थाली में उन्होंने खाना दिया कि उस औरत ने एकदम से थाली उठाई और अपने फटे पेट में सारा खाना उड़ेल लिया। उसका पेट बीच में से फटा हुआ था। ये देखकर उन तीनों दोस्तों की जान अब उनके हलक में ही आ गई थी, मगर वो किसी तरह अपने डर को छुपाए हुए थे। उधर वो औरत फिर से खाना मांगने लगी। इस बार उन्होंने अपनी थाली ही उस औरत को दे दी और धीरे धीरे सारा खाना वो औरत अकेले ही खा गई, मगर वो अभी भी भूखी ही थी और लगातार खाना ही मांगे जा रही थी। जब सारा खाना खत्म हो गया था तो उन तीनों दोस्तों ने अपना दिमाग चलाते हुए उस औरत से कहा, अब तो खाना खत्म हो गया है, मगर हमारी नाव में अभी भी बहुत सारा खाना है, हम तीनों जाकर लेकर आते हैं। इस पर वो औरत थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, जल्दी आना। वो तीनों दोस्त नाव के पास जैसे तैसे पहुंचे और वहां से उसी वक्त नाव लेकर निकल गए। और उस औरत को भी ये पता चल गया कि वो वहां से भाग रहे हैं। वो चीखते हुए नदी के किनारे ही पहुंच गई और जोर से बोली, तुम लोगों ने झूठ बोला, मैं तुम सबको कच्चा ही खा जाऊंगी, वापस आ जाओ। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि नाव में बैठे बैठे भी उनके पांव बहुत तेज कांप रहे थे, दिल की धड़कनें भी बहुत तेज हो रही थी और पूरा का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। वो तीनों उस रात अपनी समझदारी के चलते वहां से बचकर आ गए। अगले दिन ये बात जब गांव वालों को बताई तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ और उन तीनों दोस्तों से उन्हें उस जगह ले जाने को कहा। वैसे तो वो तीनों वहां भूलकर भी नहीं जाना चाहते थे, मगर गांव वालों के जोर देने पर उन्हें उन लोगों को उस जगह ले जाना पड़ा। जब गांव वाले उस जगह पहुंचे जहां वो तीनों दोस्त रुके थे तो पाया कि उन तीनों दोस्तों ने
ठीक उसी जगह खाना पकाया था जहां कुछ दिन पहले ही एक मुस्लिम महिला की लाश को दफनाया गया था। और गांव वालों ने बताया कि दरअसल वो महिला गर्भवती थी और उसके पति ने उस औरत को उसी हालत में मारा, जिसकी वजह से उसे गलत जगह पर गहरी चोट लग गई और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उस महिला के पेट को फाड़कर उसका बच्चा बाहर निकाला और दोनों को अलग अलग दफनाया गया था। ये सुनकर उन तीनों दोस्तों के होश ही उड़ गए। उसके बाद से वो तीनों कभी भी नदी के उस पार उस जंगल में नहीं गए, मगर अक्सर उधर से गुजरने वाले लोगों को किसी और की चीख सुनाई देती है जो भूख भूख सुनाई देती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।